कुछ और थोड़ा गरम मसाला, गरम मसाला, धनिया, जीरा, सूखा मिर्चा, हल्दी, गरम मसाला, नमक, ये सब मिला के आपको इस तरह पीसना पड़ेगा, इस तरह पेस्ट बना लेना पड़ेगा। उसके बाद ब्रिंजल जिसे कहते हैं बैंगन को लेना पड़ेगा, उसे काट कर उसके अंदर इस तरह से मसाला डालना। हम आज क्या बना रहे हैं? सब्जी के साथ तो फ्राई होने के बाद इस तरह दिखता है। अब तेल गरम हो रहा है, हम जीरा डाले हैं, हरी मिर्च, करी लीव्स, करिया पत्ता बोलते हैं, स्वीट नीम भी बोलते हैं इसे। देखिए जरा इसे भून लिया है जी, मसाला सब मसाला डालेंगे। क्या क्या है इस मसाले में? हाँ, क्या क्या है मसाला? जो बोल दिया कि वो याद मत भूल, तो मैंने पहले बताया था मसाला का पेस्ट जैसे बना था उसी मसाले के पेस्ट में ज़रा पानी मिलाकर इसमें मिला देंगे। उसके बाद ये है हल्दी, हल्दी मिलाई है, ये है जीरा, गरम मसाला बस मिलाना है, अच्छी तरह मिला लेंगे। रॉक सॉल्ट, आप चाहे तो कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं स्वाद अनुसार। बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही है, मिला देंगे उंगली के पानी को, मिला देंगे इस पर उंगली का बच्चा खट्टा स्वाद आएगा। उंगली के पानी को भी आपको मिलाना है, गुड़ भी डालना है, ज़रा गुड़, हाँ गुड़ भी डालना पड़ेगा, गुड़ भी डालना पड़ता है इस पर। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत बहुत फेवरेट है मेरा। उसके बाद में बैंगन डाल देंगे, बैंगन एक एक कर कर इस तरह से आपको बैंगन इसको डालना पड़ेगा। हो गया हमने इसमें डाल दिया। अब कितने देर इसे कुक करेंगे? बस और कुछ 5 मिनट आपको कुक करना पड़ेगा और ये तैयार। बड़ा ही सिंपल, धनिया पत्ती ज़रा मिला लीजिए इसे, होने दो, होने के बाद दिमाग खराब है। काट दिया हूँ, अच्छा ये देखने धनिया पत्ती मम्मी अभी काट रही है, इसे हम उस पर डालेंगे, सब्जी में मिला देंगे। बैगन की सब्जी, ब्रिंजल करी, ओ माय गॉड स्पाइसी ब्रिंजल, बहुत टेस्टी होता है, सर्दियों में आपको ज़रूर खाना चाहिए। मैंने खाने के लिए देखो चाम जीरा, तेल देखिए कैसा एकदम
लजीज ब्रिंजल, मसाला ब्रिंजल तैयार हो गया यार। ब्रिंजल बैगन, अभी बैगन 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 क्या टेस्ट है, क्या सुगंध आ रहा है इसका, पूछो मत। और 5 मिनट इसे होने दीजिए क्योंकि धनिया का पत्ती मैंने इस पे डाला है। तो हाय फ्रेंड्स, तैयार हो गया है मेरा ये सब्जी। जैसे कि 5 मिनट बाद मैंने बोला था, दिखाऊंगी कैसे होता है। इस तरह पूरा मसाला इस पे निकल गया, तेल अलग हो चुका है। ज़्यादा तेल हम डालते नहीं हैं, सब इक्वल अमाउंट में डालते हैं। सॉल्ट ज़रा कम हुआ था, उसे हम मिला देंगे। सॉल्ट एज़ पर योर चॉइस, स्वाद अनुसार। हमारा स्वाद ज़रा ज़्यादा ही है, हमने उतना डाला है। सॉल्ट अपने हिसाब से डालिए, बाकी सब जो बताया है ठीक है। चट भी लेते हैं, हो गया। तो सब बनाइए इस ब्रिंजल, मसाला ब्रिंजल को अपने घर पे इस सर्दियों में आप इसे खाइए और मज़े से। बस इसके लिए भी आप दाल से खाइए, सांभर से, या फिर रोटी चपाती पूरी किसी से भी इसे खा सकते हैं। तो ब्रिंजल अभी बहुत कम दाम में मिल रहा है, बनाइए और खाइए, मज़े लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिसका नाम है जिया टिक टिकी स्टूडियो। थैंक यू सो मच।